सुनिधि चौहान के शो के नाम पर फर्जीवाड़ा, 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप। हेलो, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बस। बॉलीवुड के फेमस और बेहद पसंद की जाने वाले गायकों में से एक सुनिधि चौहान के शो के नाम पर 20 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में आयोजन समिति से जुड़े IIIT के छात्र की ओर से धूमनगंज थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक झलवा स्थित IIIT में पिछले साल सुनिधि चौहान का शो कराया जाना था। वार्षिक उत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित होना था। इसके लिए आयोजन में समिति की सहमति के बाद तेलियरगंज स्थिति ड्रीम मेकर्स इवेंट प्लानिंग फर्म से डील तय हुई। इसके तहत संस्थान की ओर से प्रोपराइटर प्रखर चतुर्वेदी को 20 लाख रुपए देने की बात तय हुई। इसमें से 19 लाख रुपए उसे दे दिए गए, जबकि 1 लाख रुपए कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दिए जाने थे। हालांकि अहम वक्त पर सुनिधि चौहान के ना आने की वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इसके बाद लगातार संपर्क किया जाता रहा, लेकिन आरोपी ने रकम वापस नहीं की, जिसके बाद शनिवार को आयोजन समिति से जुड़े IIIT के छात्र व जिम खाना महासचिव प्रखर चतुर्वेदी की ओर से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी घटना आए दिन घटती रहती है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि सोनाक्षी पर 37 लाख का धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने जान देने की कोशिश भी की थी। तो हुआ यूं था कि शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा ने 24 नवंबर को SSP को बताया था कि दिल्ली में 30 सितंबर को उन्होंने इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां जून में सोनाक्षी सिन्हा को यहां पर आने के लिए बुक भी किया गया था। इस बुकिंग के तहत सोनाक्षी को कुल 28 लाख और 17 हजार का भुगतान दिया था। कंपनियों का पैसा जोड़कर 37 लाख का पेमेंट ऑनलाइन किया गया था, लेकिन पैसे लेने के बावजूद सोनाक्षी इवेंट में नहीं पहुंची, जिसके बाद प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। खैर, आज के डेट में यह मामला रफा दफा हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसे कई सितारे हैं जो ऐसे फ्रॉड के भागी बन चुके हैं। कई अपने हालात के वजह से पैसा नहीं चुका पाते, तो कोई अपनी ऊंची पहुंच के वजह से अब तक छुपे बैठे हैं। ऐसे और भी खबरों के लिए बने रहिए चैनल टेक मस्ती के साथ। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।